अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ रूही न्यूज के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। खबर शामिल करते हैं लोथरा से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अली अकबर से। कहरोल पका जमात इस्लामी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कहरोल पका प्रेस क्लब कहरोल पका के नुमंतखब होने वाले अहदेदारानो मेंबरान के एजाज में निजी कंपनी के वसी हाल में पुरतकल्लुफ टी पार्टी का एहतमाम किया गया। अमीर जमात इस्लामी शहर फैसल खालिद महमूद ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। एजेंडे के मुताबिक सदर प्रेस क्लब कहरोल पका चौधरी तारिक महमूद से मौजूदा शहरी मसाइल और सहाफ़ी का किरदार के मौजू पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी माशरे की आँख और कान होते हैं। सहाफ़ी का काम माशरे के पिसे हुए और मज़लूम तबके की आवाज़ बनकर आला हुकाम तक पहुँचाना होता है। तहसील कहरोल पका एक पसमानदा तहसील है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से पंजाब के बेशतर इज़लाई और तहसील लेवल के प्रेस क्लबों को फंड्स की खतीर रकम के चेक तकसीम किए गए, लेकिन तहसील कहरोल पका के प्रेस क्लब को नज़रअंदाज करना नहायत ही दुख और अफसोसनाक है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि पसमानदा तहसील के दानिश्वर सहाफ़ी कलमकार सर्दियों में सर्द और गर्मियों में सख्त गर्मी में खुले आसमान तले बैठकर अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हैं और इस पसमानदा तहसील के पसमानदा प्रेस क्लब को भी फिलफोर फंड्स जारी किए जाएँ ताकि वो बाइज्जत तरीके से अवामी मसाइल उजागर कर सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस कदीमी पसमानदा तहसील में तैनात होने वाले अफसरान और सियासतों पर मुंतखब होने वाले नुमाइंदे यहाँ के सादलू अवाम की सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लूट खसूट को कर चलते बनते हैं। आगाज तिलावत कलाम पाक से करेंगे। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा हाफिज़ शहरोज़ अशरफ भाई को कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक करें। हमने कहा इस सिलसिले को हमने नहीं तोड़ना था। हेल्थ को ले लें, हेल्थ का जो शोबा है वो भी जरूरी हानि का शिकार है। अगर कोई फर्द मकसद को इमरजेंसी में चला जाता है तो कुछ मकसद यहाँ पर जो एक मेन है कोई एक्सीडेंट मेन हो जाता है तो उसके लिए हमें रेफर कर दिया जाता है कि कहीं आप भागलपुर चले गए लोड में चले गए, तो इसके लिए भी जो है जो इलेक्शन में जो मेम्बरान और जो अहदेदार जो खड़े हुए हैं इनसे रिक्वेस्ट है कि तहसीलों को भी दिए गए 25-25 लाख मकसद मुख्तसिस किए गए कि ये आप लोगों का ये मकसद अपनी प्रेस क्लब को जो है रेनोवेट करें, जो भी डेवलपमेंट है वो करना चाहें आप करें। तो हमारी जो बदकिस्मती है और हमारे जो सबका सदूर गुजरे हैं उनकी नाहली की वजह से और आज जो हम इस चीज से महरूम हुए हैं, हमारे प्रेस क्लब को 25 लाख तो क्या एक ठेंगा तक नहीं मिला, जो वैसे शर्म है। यकीन करें जब मुझे ये पता चला था मैं हलफन कह रहा हूँ मुझे दो रातें नहीं मिली आई कि यार ये क्या चीज़ है। इन लोगों के मसाइल तो क्या हल करेंगे, इनके तो अपने मसाइल जो है वो ऐसे वजू के थ्रू पड़े हुए हैं, इनको कोई ख्याल नहीं कि ये सब लोग इकट्ठे हो जाए एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। अपनी अपनी जो दुकानदारियाँ ये चमका रहे हैं, अपनी अपनी दुकानदारियों में लगे हुए हैं, क्या मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों की प्रेस क्लब जो सबका दौर के दोस्त जो गुजर चुके हैं दुनिया से चले गए हैं उनको कोई नहीं याद करता, उनकी तस्वीर कोई नहीं है प्रेस क्लब में। जाके आप उनकी तस्वीर देखें, किसी की तस्वीर अवेजा नहीं है वहां पर जिन्होंने प्रेस क्लब के लिए इब्तदाई तौर पर कोई काम किया होगा। तो मेरे भाइयों आप लोगों का भी कोई मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ रूही न्यूज़।